नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आप में जीके के टॉपिक में लेकर आ रहा हूँ यूपी टेट एग्जाम पेपर फर्स्ट का पर्यावरण अध्ययन, जो 18 नवंबर 2018 को एग्जाम हुआ था। तो इसको वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य है कि आप चाहे परीक्षा यूपी टेट का दिए हों चाहे ना दिए हों, पेपर किसी भी चीज़ का हो, उसको जो है एक बार देख लेना चाहिए। उससे देखने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ता है, या हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन उससे से आ भी जाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। समय लेने से पहले, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिस फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल जीके अर्जुन सर यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो पर्यावरण अध्ययन से। इसमें दो पार्ट है, पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, इसके बाद 30 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी से। तो इसमें शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन से। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दे हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नेलापट्टू। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, साइंस में अक्सर क्वेश्चन आपका आया होगा, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा मिला होता है किसका? पारा का। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? किस पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? हीरा जे कानिया, ये मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ये जो है विलुप्त के करीब जीव, जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उसे जो है रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षता है वर्तमान पूछा यहाँ पर? तो ये जो है इस समय रेखा शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा आहूत के शब्द यहाँ का अर्थ होता है बुलाना, यानी कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अगर अध्यक्षता पूछता तो इसका आंसर हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा आहूत की जाती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, तो ये जो होगा राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में, 9वां भाग जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है? ये जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है, 74वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव होती हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा चुनाव का जो होता है अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जो है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये जो है वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा का संग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? भारतीय गैंडा ये जो आपका जो है काचीरंगा नेशनल पार्क में, असम में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ण की उपस्थिति कारण
पौधे हरे होते हैं, इसका हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे जो है हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह है, कौन सा जिम्मेदार है? उपयुक्त सभी है। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलाना और कृषि क्रियाकलाप, ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूफार्विसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? जेट्रोफा, इसको रतन जोत भी कहते हैं, इंग्लिश में नाम दिया है जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि को पौधे को हिंदू धर्म में महत्व और इसका वनस्पतिक नाम है ओसिमम सैक्ट्रम, इसका समानता किस नाम जानता है? तुलसी, आंसर हो जाएगा तुलसी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पीने योग्य पानी। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए किस गैस के रिसाव कारण भोपाल में जो है त्रासदी हुई थी 1984 में हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी के नाम जानते हैं। क्वेश्चन कुछ कट गया है, इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIOC शॉर्टकट नाम है इसका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस क्या है सबको पता है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस दिन मेरा बर्थडे भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS स्वामीनाथन किससे संबंधित थे या कौन थे? ये हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक, MS स्वामीनाथन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन लिखिए, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, इसको मृतक भक्षी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए जो हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछा था, 30 क्वेश्चन जो 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था हिंदी से, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यह पुस्तक किसकी है? जो रेखांकित शब्द का पद का परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा है सार्वनामिक विश्लेषण पुस्तक विशेष है और एक वचन स्त्रीलिंग है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण शब्द का विलोम होता है, क्या होता है? संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दंत्य। हाँ, जीभ लगाएंगे दांतों पर तो ये शब्द निकलेगा, उसको कहते हैं दंत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा स ख स, यानी दूसरा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यल्प, अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, रित का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनृत। अगला क्वेश्चन देखिए, संकल्प शब्द का जो है उपसर्ग बताइए, संकल्प शब्द का उपसर्ग क्या होगा इसमें? सम जो है संकल्प का उपसर्ग होगा, यानी उपसर्ग पहले होता है प्रत्यय बाद में जाता है, यानी जो भी शब्द इसमें है सम। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता इस वाक्य का वाच्य होगा, इसमें क्या वाच्य होगा? दूसरा भाववाच्य है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसमें गलत ढूंढना है तो आंत अत्र, ये गलत है। इसके बाद सब सही दिया गया, सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक उसकी रचना को कौन सा जोड़ा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ये स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये जोड़ा जो है गलत है, यानी ये सही है, यानी जोड़ा ये गलत है। इसके बाद सब सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उद्भव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सही नहीं है, यानी आंसर इसका 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर हो जाएगा दर्शन, दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। ये गलत है, यानी आंसर 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध इसमें पूछा है तो यहाँ पर अशुद्ध होगा हाँ मेरा यही विचार, ये अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधुनातन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा क्या होगा? अधुनातन। अर्वा शब्द का विलोम होगा अधुनातन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध पूछा है, तो इसमें जो है विरहणी, ये अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत ढूंढना है आपको, ये जो है शब्द बाग दिखलाना या हरा बाग हरा भरा करना, ये गलत शब्द है युग्म। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम रहित दूत होय, उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष। अगला क्वेश्चन देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग ऐतिहासिक में जो है प्राग, यानी दूसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कार संधि का विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बहिधन कार, ये बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला देखिए, विदेही वनवास किसकी रचना है? विदेही वनवास किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पुलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें पुलिंग शब्द पहिया है, यानी दूसरा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पैराग्राफ दिया है, दिए गए गद्यांश को जो है पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए, स्पष्टता आत्मविश्वास विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है तथा भाषा का न्यास ही किसी की पकड़ में नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, संश्लेषण कला क्या नहीं है? संश्लेषण कला क्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अलंकरण नहीं है, यानी दूसरा सही इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास से। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से। अब देखिए 28 नंबर, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा है तो यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसके अलावा त्र छ ज्ञ, इसमें दो मतलब स्पष्ट आपको बोलने ही में लगता होगा तो यह जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। लास्ट क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है उपसर्ग पूछा है तो अलम, अलंकार में जो है अलम उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के यहाँ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।